Why this happened? Why there were some people who were criticizing the essay question paper? Some people were praising the uh, uh, you know exam setter or the question question setter uh, for the essay paper. So what exactly happened? Why you know there was so much of chaos uh, regarding the essay paper around the essay paper? We'll understand that. Also we'll look into each and every essay that was asked in the question paper and how you can prepare for essay paper. At the end we are going to discuss that as well. आप कैसे ऐसे पेपर को प्रिपेयर कर सकते हो हम वो भी डिस्कस करेंगे नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दी एसे एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी सी एस सी मेन्स एग्जाम वेल्ड फ्रॉम सेवेंथ जान टिक्सटींथ जैन ओके एंड द पेपर वाज यूनिक इक एवरी ईयर हर साल यूनिक होता है ऐसे का क्वेश्चन पेपर इस साल भी अपने आप में यूनिक क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था एंड देयर हैज बीन अ ट्रेंड ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ फिलोसोफिकल एसेज इन द पास्ट कपल ऑफ इन but this year the benchmark was higher as compared to the previous few, few years so there is no need to be scared about the essay paper because if you understand the mentality of the question setter and upsc you will understand that essay paper is quite easy practice is required okay so let us understand the type of questions or the aspects of uh, aspects in the upsc essay paper this year so there are two sections in essay paper okay section a and section b and each section consists of four essays you do not have to attempt all the four essays because from each section you have to attempt only one essay for example section a out of the four options you have to write essay on any one topic and similarly in section b out of the four options which are given you have to write essay on only one so total two essays you have to write in 3 hours okay one from each section फोर ऑप्शंस आपको मिलते हैं और हर सेक्शन में से सेक्शन ए और बी दो सेक्शन होते हैं चार चार ऐसे इसका ऑप्शन होता है आपको कोई एक ऐसे ही चूज करना है एंड वर्ड लिमिट इज थाउजेंड टू ट्वेल्व हंड्रेड आपके पांच पेजेस में आई गेस आ जाएगा बट प्रैक्टिस करने से आपको समझ आएगा कि आपकी वर्ड लिमिट कितने पेजेस में पूरी हो रही है ठीक है

ओके okay? आप अपने दिमाग की जो सोचने की क्षमता है उसे कितना यूज कर सकते हो कितना डीपली किसी बात के बात को समझ सकते हो कितना गहराई से किसी बात को समझ सकते हो जान सकते हो ये टेस्ट किया जाता है ऐसे के पेपर में बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू नीड टू थिंक डीप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू नीड टू कोरिलेट एंड इंटरलिंक थिंग्स As an administrator, you need to analyze properly. As an uh, administrator, you need to have a deep thinking process, and that is tested in the essay paper. Okay? And see, uh, you know, developing that kind of mentality is not tough.

आपका खुद का ओपिनियन टेस्ट किया जाता है ऐसे पेपर के अंदर फॉर एग्जाम्पल इन दीज एटिक्स ब्रॉड इंटरप्रिटेशन फॉर एग्जाम्पल हेयर यू विल सी द सेकेंड एसे इन सेक्शन ए इट से रिफ्लेक्शन ऑफ यू माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी योर परसेप्शन ऑफ मी इज अक्शन ऑफ यू आप मेरे बारे में जो सोचते हो वो आपको ही आप आपका इमेज दर्शाता है आपकी सोच दर्शाता है मतलब आप कैसे इंसान हो इफ यू आर Judging somebody, if you are saying this person is arrogant or that person is, has this fault or that flaw, that is a reflection of you, yourself, your mentality. आप कितना judgmental हो दिमाग से या आपके अंदर कैसे emotion है, ये दर्शाता है आप दूसरे के बारे में क्या picture बनाते हो. If you have respect and love in your own mind, you will never find flaws in somebody else.

है ना तो मेरा रिएक्शन दिखाएगा कि मैं अपने बारे में अपने आप को लेकर कितनी यू नो जागरूक हूँ मेरे खुद के कैरेक्टर्स क्या है मेरे खुद का संस्कार क्या है मैं खुद खुद को कितना अच्छे से समझ सकती हूँ ओके सी हाउ डीप दिस टॉपिक इज दिस सेकंड एसे इट सिंपली मींस वी डोंट सी द वर्ल्ड एज दे आर बट एज वी आर एंड वी रिएक्ट इंस्टेंट ऑफ रिस्पोंडिंग सिंपली सिंपल मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक इज वी द वर्ल्ड को अपनी कर देते हैं रिस्पोंड नहीं देते हैं अपना हम रिस्पॉन्स नहीं देते अपना हम रिएक्शन देते हैं अपना, अपना गुस्से का रिएक्शन चिल्ला कर देंगे प्यार का रिएक्शन हग करके देंगे है ना तो यहाँ पर रिस्पॉन्स और अपने बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है यही आपको इस ऐसे में लिखना है ओके सो दिस रिक्वायर्स अ ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन जो आपको दी गई है

was done by the examiner for example the first essay says process of self-discovery has now been technologically outsourced now this kind of essay it always comes in your essay paper it's kind of perennial theme in upsc they usually talk about challenges of science and technology जो से यह था साइंस विदाउट कॉन्शियस इज द रूइ ऑफ दोल यानी की बिना अपनी जागरूकता कॉन्शियस के आप साइंस को यूज करोगे तो आपकी खुद की आत्मा इससे क्या होगा पतन होगा उसका ठीक है बिना अवेयरनेस बिना जागरूकता के जब आप किसी चीज को यूज करते हो तो ऐसे ही हेयर ऑल्सो प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी आउटसोर्स फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका सोशल मीडिया है फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम ओके वेन यू गो ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इफ यू आर यूजिंग और इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम और एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया इन दैट यू आर गोइंग टू डिग्रेड But now it has been outsourced. You will see uh, so many digital platforms have been created to help people, you know, uh, uh, so that they can come out from their mental challenges, right? But the over usage of these technological platforms also leads to the degradation of the soul, okay? See, we know that outsourcing has become a buzzword. From programming to grocery delivery to education, we kind of outsource almost anything. स आउटसोर्स अ लॉट ओके एक टाइम पर तो हम खुद का खाना हंट करके अपना पेट भरते थे हम ग्रो करते थे फूड को अब हमने वो भी आउटसोर्स कर दिया है नाउ देर आर स्टोर्स एवरी बिजनेस मोस्ट ऑफ अर्स हैस्ट दैट एबिलिटी टू ग्रो आर ओन फूड the whole network we call society is a web of mutual outsourcing so we are getting addicted to outsourcing technology has structured all the you know all, all this outsourcing process in a manner that is organized yet integrated making it more accessible to each individual okay उट वाला फीयर ऑफ मिसिंग आउट इसके वजह से भी सेल्फ डिस्कवरी पीछे रह जाती है ठीक है अगर हम कुछ नहीं करते तो लोग क्या बोलते हैं अरे तुम इस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं हो रहे तुम वो भी नहीं करते दिस इज अ पीरियड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भैया हमें अभी चाहिए सब कुछ हमें पेशेंस नहीं रखना

it says, lead us from the unreal to the real, lead us from darkness to light, lead us from death to immortality. okay? so th this mantra of self-discovery taken from the, uh, you know, hindu vedas, it requires one to explore one's own ideas, thoughts, values, preferences, it requires deep contemplation, analysis, open-mindedness to accept, accept oneself just as it is. but now, because it is heavily technologically outsourced, we are far from being, uh, you know, from the term self-discovery. So this is how you can use all these examples in your real life to, um, you know, expl explain or expand this essay. okay, point clear. Now, the fourth essay you will see the real is rational and the rational is real. Uh, there was a philosopher called Hegel. Okay, so philosophy optional students must be knowing this philosopher. Okay, now uh, as per Hegel, something can be real yet it may not exist. Also, something may not be real, it may still exist. So, for Hegel, reality does not mean existence.

जो रियल है वो रैशनल है यानी कि उसके पीछे का एक रीजन है सत ही यथार्थ है सत जो सच होता है वही लॉजिकल है वही रैशनल है और जो लॉजिकल है और रैशनल है वही सच है ठीक है कितना डीप है ना वेदांतिक फिलोसफी की तरह लग रहा है ना इट्स काइंड ऑफ वेदांतिक फिलोसफी ओवर हियर राइट एंड आल्सो रैशनलिज्म इज आल्सो अ फिलोसफिकल मूवमेंट प्लीज राइट इट डाउन जो है वो एक फिलोसफिकल मूवमेंट भी रहा है इसलिए ये ऐसे इम्पोर्टेंट है अप्रोच ऑफ थिंकिंग ओके एनी दी फिलोसफर दे यूज टू अ रैशनलिस्टिक अप्रोच ऑफ थिंकिंग रैशनल माइंड इज रिफ्लेक्टिव

okay they have a sense of control in their life and rational thought always leads to truth in our vedantic philosophy also in vedas also it is written that truth is a property of propositions truth is a characteristic of any proposition proposition means statement either it is true or false okay telling the truth requires knowing what the truth is

It was an indirect essay on the role of women. On the role of women. On the relationship between mother and child. Okay? This also requires broad interpretation. It will include women equality, empowerment, etc. Because if a strong woman is there, then the child or the offspring will also become very strong. For example, Chhatrapati Shivaji Maharaj Bai.

चैलेंज आप आप या कोई, फेल, कोई ना कोई, कोई, कोई कमी मिलती है फिर उससे सीख कर आप क्या करते हो दूसरी बार में सक्सीड करते हो राइट देर आर बेटर प्रैक्टिस टू बेस्ट प्रैक्टिस सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से बेहतर कार्य प्रणालिया भी होती है

फर्स्ट ऑफ ऑल आईडेंटिस्ट ऑफ ऑल आईडेंटिफाई दीम दू कैन डू बाई गोइंग थ्रू द प्रीवियस दास्ट टू थ्री इन यूपीएससीज बीन आस्किंग फिलोस पिछले दो तीन साल से यूपीएससी फिलोसफिकल एसेज ज्यादा पूछ रहा है ठीक है नाउ ट्राई टू लिंक द एसे विद द जीएस पेपर्स जीएस पेपर जो आपके मेन में है पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर उनसे लिंक करने की कोशिश करो आपसे आप दो साल पहले जो एसेज आते थे उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड जीएस पेपर टू से रिलेटेड टॉपिक्स पे भी ऐसे पूछे जाते थे ओके सो ट्राई टू लिंक द एसेज विदीएस पेपर ऑल्सो एंड ट्राई टू ब्रॉडन अप ट्राई टू ब्रॉडन अपर इंटरप्रिटेशन अपनी इंटरप्रिटेशन को ब्रॉडन अपना शुरू करो ठीक है देन यू कैन इन रिच योर एसेज यू कैन स्टार्ट और यू नो इन दिड ऑफ दू कैन एड कोटेश्सनैलिटीज यू कैन ऑल्सो

ठीक है सबसे पहले कोट्स उसके अंदर कौन से आ सकते हैं कोट्स बाय नेहरू जी वल्लभ भाई पटेल जी और गांधी जी और छत्रपति शिवाजी महाराज ठीक है यू कैन पॉइंट आउट दी कोट्स आल्सो ठीक है एनी पर्सनालिटी एलबर्ट आइंस्टाइन एटसेट्रा कोई भी फिलोसफर जिस एरिस्टोटल तो किसी भी पर्सनैलिटी का कोट एक छोटी यू नो नोटबुक बना लो जिसमें आप इंपॉर्टेंट कोट्स जो भी पढ़ो वो लिखते जाओ बाई दी नेम ऑफ दी पर्सनैलिटी ऑल्सो okay you can quote quotes also then you can add examples of current events also examples from history also right you can give examples of celebrities also any other important personality even your from your family also you can quote examples of any event okay or from any part of the world then you can give it a ऑप्टिमिस्टिक टर्न अपने ऐसे को नेगेटिव टर्न मत देना हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रखना कीसे इज ऑप्टिमिस्टिक अवॉइड एनी रिजिड एक्सट्रीम पोजिशन कीप य डायल्यूज प्रिंसिपल्स बिकॉज यू आर राइटिंग बट स्टे ग्राउंडेड इन द रिया प्रेजेंट वर्ल्ड ओके एंड ऑल्सो डू नॉट फोर गेट टू फोकस और पुट द स्पेशल एम्फोसिस ऑन द वलनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ओके With a positive future looking optimistic conclusion so that can fetch you good marks. Okay, in a seemingly unpredictable paper, also, if you are optimistic throughout your essay, that can fetch you bonus marks. Okay, so this is how this year's essay question paper was. It was not tough. If you read the, you know, sentence and deeply ponder about it for like starting 5 to 10 minutes, then it is not tough to, you know, attempt this essay.

Like iPad Mini, MacBook, iPhone XR, and you know uh, Amazon vouchers. And thousand lucky participants are going to win Apple gadgets and Amazon vouchers. This uh, you know combat or free scholarship test will be conducted live at 11am today. And it will be a 60 minutes test. Prelims ke base base per hip test. The link is given below in the description box. Do not forget to use this code arpita 10 to enroll for free. Okay? so do participate in this mock test as well on this note we are wrapping up the session if you have any doubt related to this essay paper now you can shoot that doubt in the comment section okay